अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लैंग्वेज प्रोसेसेस की बात करेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसेस क्या होते हैं और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले टाइप्स ऑफ कोड की बात करते हैं। ऐसा कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया हो, यानी कि वो कोड जो कि मशीन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो लेकिन ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो, उस कोड को हम सोर्स कोड का नेम देते हैं। इसके बरअक्स वो कोड जो कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हो, जो कि इजीली मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल हो लेकिन ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो, इन अदर वर्ड्स वो कोड जो कि मशीन के बहुत करीब हो लेकिन ह्यूमन से बहुत ज़्यादा दूर हो, उस कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड का नेम देते हैं जो कि डायरेक्टली मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाता है। दोस्तों, ये था इन दोनों का डिफरेंस कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। अब देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स को। प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं उसके एग्जीक्यूशन के दो फेज़ होते हैं। पहला फेज़ ये होता है कि उसको कंपाइल किया जाए, सेकंड फेज जो होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। अब बात ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर राइट डाउन कोड किया गया था, जिसको हम सोर्स कोड का नेम देते हैं, अब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो कि मशीन के ऊपर डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होता है कन्वर्ट कैसे किया जाए। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर दे उसको हम लैंग्वेज प्रोसेसर या उसको हम ट्रांसलेटर का नेम देते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब दो तरह के ट्रांसलेटर इस्तेमाल करती हैं, एक को हम कंपाइलर का नेम देते हैं और सेकंड को हम इंटरप्रेटर का नेम देते हैं, जो असम्बलर है जो स्पेसिफिक लैंग्वेज असम्बली के लिए बनाया गया था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस हम देखते हैं। ये जो कंपाइलर होता है ये सोर्स कोड को कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल करता है। सारे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद इसकी एक कॉपी जनरेट करता है, एग्जी फाइल जनरेट करता है। जब ये एग्जी फाइल जनरेट कर लेता है तो जब इसको दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जब दोबारा हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये इस पूरी सोर्स फाइल को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा, बल्कि जो इसने ये फाइल जनरेट कर ली थी इसको ही दोबारा से इस्तेमाल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एक बार सोर्स कोड कंपाइल हो जाता है तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि कंपाइलर एग्जी फाइल जनरेट कर लेता है और बार बार इसी को ही इस्तेमाल करता है। सेकंड इसका जो फीचर कंपाइलर का ये है कि ये कंपाइल करने के बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है जो कि नेक्स्ट फेज़ में मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, यानी कि ये डायरेक्टली ऐसा कोड जनरेट नहीं करता जो कि मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो, बल्कि ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। थर्ड फीचर जो इस कंपाइलर की होती है वो ये है कि जब ये कंपाइल कर रहा होता है किसी सोर्स कोड को, बी लेट सोर्स कोड के अंदर थाउजेंड ऑफ द लाइन्स हैं, सोर्स ऑफ कोड लाइन ऑफ कोड है, अब थर्ड लाइन के ऊपर कोई एरर जनरेट हो जाता है तो कंपाइलर वो एरर उसी वक्त जनरेट नहीं करेगा बल्कि पूरे कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद ये एरर जनरेट करेगा। अब जब ये पूरे सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद एरर जनरेट करेगा तो यूज़र के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, डेवलपर के लिए, कि ये एरर किस लाइन के ऊपर आया, तो वो एरर को खुद फाइंड आउट करेगा। कह सकते हैं कि एरर जनरेटिंग जो कंपाइलर की है वो एफिशिएंसी नहीं है कि ये डायरेक्टली यही नहीं बता देता कि इस लाइन के ऊपर एरर है, बल्कि ये पूरे कोड को कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद ये एरर जनरेट करता है। फोर्थ जो इसकी फीचर है वो ये है, क्योंकि ये बार बार एग्जी फाइल को ही इस्तेमाल करता है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से ये फास्टर है। अब इंटरप्रेटर की बात करते हैं, इसकी वर्किंग लेट ये कोई भी सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड के अंदर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कंपाइलर क्या करता था, सेकंड लाइन के ऊपर क्योंकि एरर जनरेट होता था या थर्ड के ऊपर होता था जो उसी वक्त जनरेट नहीं करता था बल्कि पूरे कोड को कंपाइल करने के बाद एरर जनरेट करता था। लेकिन इसके बरकर जो इंटरप्रेटर है, अगर ये सेकंड लाइन के ऊपर एरर जनरेट होता है तो ये उसी वक्त एरर जनरेट कर देगा। अब यूज़र इसको या डेवलपर एरर को दूर करेगा, एरर को ठीक करेगा, एरर को ठीक करने के बाद जो इंटरप्रेटर होगा वो फिर उसी लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा कंपाइलेशन। अब जो अगर फिर किसी लाइन के ऊपर एरर आता है तो इसी तरह उसी वक्त एरर को जनरेट करेगा, डेवलपर उस एरर को दूर करेगा और दोबारा से कोड कंपाइल होना शुरू। नेक्स्ट इसकी जो फीचर है, एरर इसकी जनरेटिंग वेल है किसकी नस्बत, कंपाइलर की नस्बत, कि इजीली इससे एरर फाइंड आउट करना इजी होता है। सेकंड फीचर इसकी ये है कि ये पूरे कोड को कंपाइल करने के बाद कोई भी एग्जी फाइल जनरेट नहीं करता जैसा कि कंपाइलर करता था।
अगर ये एक्सी फाइल जनरेट नहीं करता तो इसका मतलब इसको हर बार सोर्स कोड को ही कंपाइल करना पड़ेगा, जिस वजह से हम कह सकते हैं ये स्लोअर है किसकी निस्बत, कंपाइलर की निस्बत। थर्ड इसकी जो फीचर वो ये है कि ये जो एक इंटरप्रेटर होता है ये कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करता सोर्स कोड से, बल्कि ये डायरेक्टली ऐसा कोड जनरेट करता है जो कि मशीन के ऊपर एग्जीक्यूटेबल होता है, तो हम डायरेक्टली मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ना कि ये कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट करे। इसके साथ साथ अगर इसकी एरर डिटेक्शन ईजी है तो ये नॉट एफिशिएंट भी है। नॉट एफिशिएंट का मतलब ये है कि ये इतना फास्ट नहीं है, क्योंकि ये हर बार सोर्स कोड को ही दोबारा कंपाइल करता है। कंपाइलर के दौरान हमने ये बात की थी कि एक बार कोड रन हो जाए तो हमें सोर्स कोड की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट फाइल एग्जी फाइल अपने पास जनरेट कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें बार बार सोर्स कोड की ही जरूरत पड़ती। असम्बलर की बात करें तो ये स्पेशली असम्बली लैंग्वेज के लिए जनरेट किया गया था कि असम्बली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को यह मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता था, ये असम्बलर का काम था। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी दोस्त को अगर किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो फिर से दोस्तों मेरे सब दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।